बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग काफ़ी देर में बाहर गर्मी में खड़े थे और मैं आपको सिर्फ चंद बातें करने से करके मैं आपकी तरफ मुतवज्जा अपनी बात करूंगी। सबसे पहले तो आपने देखा कि एक पैमरा अमेंडमेंट बिल 2023 जिसके ऊपर 12 माह तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें PFUJ, जिसमें अमेंड, जिसमें PBA, APNS, CPNE और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, इनकी मुशावरत के साथ एक ऐसा कानून जो कि मुशर्रफ के 2002 के पैमरा ऑर्डिनेंस के अंदर तब्दीली और अमेंडमेंट्स थी, जिसमें सबसे बड़ी अमेंडमेंट जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आर्टिकल 19 की और उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की इंक्लूजन ऑफ डेफिनेशन, और उसके बाद चेयरमैन पैमरा के वो काले इख्तियार जिससे वो कोई चलता प्रोग्राम बंद कर सकता था, लाइसेंस रिवोक कर सकता था और सस्पेंड कर सकता था, प्रोग्राम बैन कर सकता था। इन तमाम इख्तियारात को डिवॉल्व करके अथॉरिटी काउंसिल ऑफ कंप्लेन, वहां भी अपील और फिर हाई कोर्ट के लेवल पर उसको ले गई। उसके बाद जो इसकी सबसे अहम जो अमेंडमेंट थी कि जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स को डिफाइन किया गया कि जहां की केस होगा उधर ही पटिशन होगी, और जब पटिशन एक कोर्ट में होगी तो स्टे अगर मिलेगा तो उसी कोर्ट से मिलेगा, क्योंकि हमने देखा माजी में कि जब कोर्ट लाहौर की कोर्ट में केस होता था तो कराची कोर्ट से स्टे मिल जाता था या पेशावर की कोर्ट से स्टे मिल जाता था। उन चीजों को इकट्ठा करने के लिए ये एक बार लगाई गई। जो इसमें तारीखी अमेंडमेंट थी, मेरे भाई वर्किंग जर्नलिस्ट, जो यहाँ गर्मी हो, तपिश हो, सर्दी हो, बारिश हो, ये मीडिया वर्कर्स चैनल्स के लिए जो काम करते हैं दिन रात, सुबह दोपहर शाम, आवाम को खबर पहुंचाने के लिए, मैंने इनको साथ सड़कों के ऊपर, आज जो बड़े फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की, मैंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जमहूरियत, वोट की इज्जत और इन लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होके, चाहे वो नैप कोर्ट हो, चाहे वो हडियाला हो, चाहे वो कोट लखपत हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, और ये कहना कि मैं काला कानून ला रही हूं, ये इतनी बदकिस्मती की बात है कि पेटी गुफ्तगू के लिए इस किस्म को, कौन इतने इस बिल को जिसमें तारीखी अमेंडमेंट इन इन वर्कर्स के लिए, इन मेरे भाइयों के लिए, कि अगर कोई अदारा, और ये अदारों की तरफ से साइन करदा कानून के दायरे में उनको मैं लेकर आई, और उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर साइन ऑफ किया कि जो अदारा इनको 2 माह, within 2 months इनके सारे ड्यूज क्लियर नहीं करेगा, उनको हुकूमत पाकिस्तान एड और या बिजनेस नहीं देगी। दूसरी अमेंडमेंट के जो अदारा थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट करता है वहां भी इंश्योर करेगा कि मिनिमम वेज वो इनको दी जाएगी, और अगर इनका किसी किस्म का डिस्प्यूट होता है तो पहले इनके पास कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था, न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज के लिए प्लेटफॉर्म ITNE मौजूद था और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था जहां इनकी अपील सुनी जा सके, जहां ये मालिकों के सामने बैठकर अपने केस को प्लीट कर सके। काउंसिल ऑफ कंप्लेन में इनको भी नुमाइंदगी दे दी और मालकान को भी नुमाइंदगी दे दी, और अगर वायलेशन वो करेंगे तो उसको सिवियर वायलेशन के जमरे में डालकर 1 करोड़ रुपया जुर्माना जो पेमरा को आएगा, तो इन लोगों को बराए रास्त तनख्वाहें मिलेंगी और इनको ड्यूज मिलेंगे। इसको कहा गया ये लेबर लॉस के खिलाफ है, ये काला कानून वर्कर्स के हकूक के खिलाफ है। आज तक कोई ना इनके पास प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी इंप्लॉयमेंट्स करके इनको मिनिमम वेज तक ना दी जाए, इनके ड्यूज 2 2 साल हमने ITNE न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज के अंदर, मेरे पे बहुत प्रेशर था, वहां हमने एक काबिल चेयरमैन लगाया और उन्होंने 9 माह के अंदर 14 करोड़ रुपए की बराए रास्त रिकवरी करके, और जहां रिकवरी रुक गई मैंने PID के चेक्स जो थे ITNE में दिए और वहां से एम्प्लॉयज को चेक मिले। प्राइम मिनिस्टर ने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया, उस कार्ड का बाजाब्ता शुरुआत कल हो चुकी है कि इनको हेल्थ मिले। जो सहाफी, जो वर्किंग जर्नलिस्ट अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान गंवा बैठता है उनके लवाइकीन के लिए 40 40 लाख रुपए का प्राइम मिनिस्टर ने कल फंड का ऐलान किया।
मुझे बताते हैं लेबर लॉ क्या होता है, मुझे बताते हैं वर्किंग जर्नलिस्ट की तकलीफ क्या होती है। मैंने इन तकलीफ को इनके साथ सहा है और मैंने इनकी तर्जुमानी उस बिल में इसलिए की थी क्योंकि पेमरा का कोई कानून जिसमें एम्प्लॉयज के राइट्स की बात नहीं होती वो कानून नामुकम्मल होता है। लेकिन इन लोगों ने, जब मैं उस दिन स्टैंडिंग कमेटी में गई, पहले दिन में गई, मैंने पहली अमेंडमेंट प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया कि चेयरमैन पेमरा की सिलेक्शन पार्लियामेंट करेगी, ये प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पे अप्रूवल दे दिया। दूसरी अमेंडमेंट के इनकी सैलरीज की जगह ड्यूज लिखे जाएं। मैंने इन लोगों की प्रेजेंस में जब स्टैंडिंग कमेटी शुरू हुई मैंने वहां बात की और मैंने कहा कि ये दोनों अमेंडमेंट्स अब इस बिल का हिस्सा हैं, ये गवर्नमेंट बिल का ये दोनों अमेंडमेंट्स पार्ट है। फिर मैंने कहा मुझे अमेंडमेंट्स दे दें, अगर इसमें अभी मजीद बेहतरी लाई जा सकती है तो अमेंडमेंट दे दें। अमेंडमेंट से कानून को इस, क्या ये कानून आज बनेगा तो ये ताहयात कोई पत्थर पे लकीर है, ये फिर अमेंड हो सकता है। ये एक एवोल्यूशन डॉक्यूमेंट है, 2002 में जो मसाइल थे वो 2023 में फर्क हो चुके हैं। तो मैंने उनको कहा कि अमेंडमेंट्स दे दें। फिर उस दिन मैंने ये फैसला किया था कि जिस वक्त कराची प्रेस क्लब में बगैर पढ़े बिल, बगैर समझे बिल लोगों की जहन साजी की जा रही थी कि ये काला कानून आ रहा है, किसी के इशारे पर आ रहा है और इस कानून के जरिए केयर टेकर में हमारे सहाफियों के गले दबाए जाएंगे, क्या चेयरमैन पेमरा से इख्तियारात लेकर कानून काला हो जाता है? अभी तो इख्तियार एक शख्स के पास है। तो ये तमाम बहस, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ इन मेरे भाइयों को और ये इस बात की तारीखी मिसाल बनेगी कि अगर कोई इनके हकूक पर डाका डालना चाहेगा तो ये यकजा होकर, ये एक होकर अपने हकूक के बारे में लड़ना जानते हैं। और मुझे अफसोस हुआ कि जब तनकीद हो रही थी मैं उन लोगों को भी काबिल इज्जत लोग समझती हूँ, लेकिन एक चीज को बैठे बिठाए कॉन्ट्रोवर्शियल कर दो। और इन लोगों ने 3 दिन जिस तरह अपने हकूक, मेरी बात छोड़ दें, मैंने ये बिल विड्रॉ कर लिया था, मेरा इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं था जब मैं स्टैंडिंग कमेटी से निकली थी, लेकिन इन्होंने उस बिल की अफादियत को समझते हुए, कौन सा सहाफी चाहता है कि डिस इंफॉर्मेशन क्रिएटेड फैब्रिकेटेड झूठ घड़े जाएं लोगों के बारे में, ये लोग तो नहीं चाहते। कौन सा सहाफी अपने कलम के जरिए किसी पे तोहमत लगाए, फैब्रिकेट करे, उसको क्रिएट करे और उसको लोगों तक पहुंचाए, ये तो नहीं चाहते। ये तो एक एक खबर के लिए 10-10 दफा मुझे कॉल करते हैं, मैडम ये बात सच्ची है या गलत है, और जब मैं तस्दीक करती हूँ तो ये खबर देते हैं, और जब तक मैं तस्दीक नहीं करती वो खबर सोर्स की खबर लगती है, और जिस वक्त मैं उसमें अपना मौकफ दे दूं या कोई पार्टी मौकफ दे दे या कोई पार्टी उसके अंदर चीज दे, ये अपनी खबर को तब्दील करते हैं। उस मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को अदारे इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये लोग डिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे और ये उसके लिए लड़ेंगे। बात यह है मुख्तसर कि ये सेनेट की कमेटी तक गवर्नमेंट का बिल था, लेकिन इन 3 दिन के बाद मैंने ये फैसला किया, जिस तरह ये लोग, इन्होंने ये अपनी आवाज इकट्ठी किया और बिला तफरीक इन्होंने अपनी बात की है, अपने हकूक के लिए खड़े हैं, जो हकूक इस पेमरा अमेंडमेंट बिल 2023 का हिस्सा है। मैं एक तो इनको खराज तहसीन पेश करती हूँ, और जो लोग अभी यहाँ मौजूद नहीं है, PFUJ हो, अमेंड हो, एपनिक हो, PFUJ सारी हो, नवाज रजा साहब ने भी जब ये फिर कानून पढ़ा और उन्होंने मुझे कहा कि ये कानून बहुत बेहतर है, मैंने इस कानून को पढ़ा नहीं हुआ था और ये मुशावरत का जो सारा अमल है ये इसमें सब लोग मौजूद थे, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस PFUJ का जिस शख्स के साथ ताल्लुक हो वो मेरे लिए इररिलेवेंट है, ये वर्किंग जर्नलिस्ट का बिल था। और मैं अफजल भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इन सहाफियों की आवाज बने, इनको इकट्ठा किया, बेजाद साहब सबसे ज्यादा PRA का, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन जिनके साथ मैंने ऑपोजिशन का दौर 2013 से जब मैं हुकूमत में पहली दफा आई और फिर मैं 16 में वजीर बनी, मेरा इनका बहुत पुराना साथ है। आप आर्ग्यू कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, मैंने हमेशा तनकीद को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। और मैं सदीक साजिद साहब को, यहाँ जितने लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। और सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल जरूर गवर्नमेंट ने पेश किया था, लेकिन आज मैं जब सेनेट के हाउस में जाऊंगी, जो ये इख्तियार रखता है कि वहां से इसको लाइव करना है, तो मैं ये बिल वर्कर्स के बिहाफ पे आज सेनेट में पेश करूंगी। और मैं ये बिल
सेनेट में, हाउस में चेयरमैन सेनेट को ये इस्तदा करूंगी कि जो मैंने बिल, क्योंकि वहां बिल जब मैंने विड्रॉ किया तो वो फ्रीज हो जाता है, उसके बाद वो सेनेट में हाउस का सेंस लेके चेयरमैन सेनेट उसको दोबारा से मूव करने की इजाज़त दे सकते हैं। और इंशाल्लाह वो बिल मैं वर्कर्स के बिहाफ पे, ये जितनी यहाँ लोग खड़े हैं, तंजीमें खड़ी हैं जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट, उनके बिहाफ पे मैं आज ये बिल सेनेट में दोबारा से मूव करने की इजाज़त चेयरमैन सेनेट से लूंगी। आप सबका ये कानून साजी का अमल इसी तरह जारी रहना चाहिए। हो सकता है इसमें कोई गैप रह गया हो, कोई लकूना रह गया हो, या जिस नियत से, जिस स्पिरिट से इसको बनाया उसमें तब्दीली की जरूरत हो, तो इंशाल्लाह अगली दफा आकर उसको भी रिव्यू करेंगे। अगर मजीद इसमें बेहतरी हो सकती है उसको भी बेहतर करेंगे, और सब जो जो इसमें बेहतरी आ सकती है इस अमल को जारी रखेंगे। हर साल पैमरा का कानून रिव्यू होना चाहिए, हर साल उसमें तरमीम होनी चाहिए, क्योंकि हर दिन बदलता दिन जो है वो मीडिया के तनाजुर में फर्क दिन होता है। तो इन तमाम चीजों को, ये मीडिया कॉर्नर 4.5 साल बंद था, जहां आज हम खड़े हैं ना, ये पार्लियामेंट का मीडिया कॉर्नर था, फासिस्ट लोगों ने इसको बंद किया हुआ था। आज हम खड़े होकर, आप लोग खड़े होकर यहाँ अपनी बात कर सकते हैं। जब हम पहले, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे हम पार्लियामेंट के बाहर, दरवाजे के गेट के बाहर, ये सब मेरे साथ खड़े होते थे। हम अपोजिशन में जिस वक्त थे, हम जेलों में जिस वक्त थे, सजाए मौत की चक्कियों में जिस वक्त थे। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं आपको जाते जाते ये जरूर कहना चाहती हूँ, इसी तरह अपने हकूक के लिए, जिस मर्जी तंजीम से आपका ताल्लुक हो, आप जब तक एक रहेंगे कोई कोई शख्स आपके हकूक को सल्ब नहीं कर सकता। आप अपनी यकजहती इसी तरह जारी रखें। मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में, मेरी जमात मेरी हम्बल कैपेसिटी में, जब वजीर आजम को ये बात पता चली, जब उनको, उन्होंने कल देखा, उनको पता चला, उन्होंने मुझे ये कहा कि मरियम आप इस पर नजरसानी करो, वर्कर्स तकलीफ में है, वो अपना इजहार राय कर रहे हैं, वो इसको देखें। और मैं, और ये जब चेयरमैन पैमरा की सिलेक्शन की बात हुई, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी चीज है, इसको ऐड करें इस चीज़ के लिए। तो मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, ये सेनेट के अमल से गुजर के जॉइंट सेशन में इंशाल्लाह पेश होगा, और आज ही इंशाल्लाह इस मंजूरी नेशनल असेंबली में।